गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमए प्रीवियस फिलॉसफी के विद्यार्थी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम बात कर रहे थे आधुनिक बुद्धिवादी दार्शनिकों में रेने डेकार्ट की। तीन दार्शनिक बुद्धिवादियों की श्रेणी में आते थे, रेने डेकार्ट, बेनेडिक्ट स्पिनोजा और लाइबनीज। आधुनिक दर्शन के रूप में बुद्धिवाद की स्थापना का श्रेय, जैसा अपन ने देखा पढ़ा, रेने डेकार्ट को जाता है। बहुत सारी बातें पढ़ने के बाद हम पहुंचे थे कि डेकार्ट ने सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास किया, अपनी एक पद्धति दी और उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए डेकार्ट ने अपना सबसे प्रमुख सिद्धांत दिया। वह जो सिद्धांत है उसे हम मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, एक चिंतयामि अतः अस्मि, दो और कोजीटो इर्गो सम, तीन, इस नाम से या इस वाक्यांश से हम जानते हैं। सॉरी, डेकार्ट जिस तरह से आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, ऐसा मानते हैं कि डेकार्ट ने दर्शन के लिए एक बहुत सुदृढ़ नींव की स्थापना कर दी, जिस पर अब बहुत बड़ा महल खड़ा किया जा सकता है। भारतीय चिंतन पद्धति में, परंपरा में, आत्मा के स्वरूप को लेकर यदि कोई ऐसा मजबूत चिंतन किसी ने दिया तो कहते हैं वो शंकराचार्य थे, अद्वैत वेदांत के संस्थापक शंकराचार्य थे। तो किस प्रकार से डेकार्ट ने आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित किया ये देखेंगे। तो जैसा कि डेकार्ट की जो पद्धति है उस पद्धति में डेकार्ट प्रथम सूत्र ये देते हैं कि किसी भी चीज की सत्यता में तब तक विश्वास ना करें तब तक उसका ज्ञान स्पष्ट और सुभिन्न रूप से ना हो जाए। और डेकार्ट कहते हैं कि मैंने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने सारे पूर्वाग्रह और अब तक के जितने सारे विश्वास थे वो मैंने छोड़ दिए और मैंने हर चीज की सत्यता को नए सिरे से जांचने का प्रयास किया। किताबों का अध्ययन जो डेकार्ट कर रहे थे, कहते हैं कि मैंने किताबों का अध्ययन करना भी छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि मैं जितना ज़्यादा किताबों को पढ़ता हूँ उससे मेरा ज्ञान नहीं वरन मेरा अज्ञान बढ़ रहा है, मेरा संदेह बढ़ रहा है। तो ये जो आत्मा के अस्तित्व को डेकार्ट ने सर्वप्रथम प्रमाणित किया, इसमें ये याद रखें कि डेकार्ट संदेह से प्रारंभ करते हैं, हर चीज़ पर संदेह करते हैं, सत्य को जानने के लिए संदेह ही उन्होंने माध्यम बनाया। लेकिन ये याद रखिएगा कि डेकार्ट संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेहवादी का विनाश निश्चित है। संदेहवादी वो होता है जिसके दर्शन का प्रारंभ भी संदेह से हो और जिसके दर्शन का अंत भी संदेह से हो, पर डेकार्ट के दर्शन में ऐसा नहीं है। तो डेकार्ट ने कहा कि मैं इस प्रकार मैंने खुली प्रकृति का चिंतन अध्ययन प्रारंभ किया, मैंने जीवन को नज़दीक से जानने के लिए भ्रमण प्रारंभ किया, अनेक अनेक देशों की सेनाओं में भर्ती हुआ ताकि जीवन को और अधिक नज़दीकी से जान सकूं, हर चीज़ में संदेह किया, मैंने अनुभव में संदेह किया, मैंने स्वप्न में संदेह किया, मैंने गणित में संदेह किया, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं। हम किसी चीज़ की जितनी बार जाँच करते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो गणित में भी एक बार देखिएगा, ध्यान करिएगा कि डेकार्ट को गणित में भी संदेह हुआ।
और इस प्रकार डेकार्ट रात दिन अनासंख्य निश्चित सुभिन्न और स्पष्ट सत्य की खोज में लगे हुए थे और अपने सारे विश्वासों को छोड़े हुए थे। तो इस लंबी चिंतन प्रक्रिया के दौरान ऐसा कहते हैं कि डेकार्ट ने एक देवी से एक प्रार्थना की कि हे देवी, मेरे मन के द्वंद्व को, मेरे मन की दुविधा को यदि आप मिटा दो तो मैं आपके दर्शन करूँगा। और एक रात जब वो किसी सेना के शिविर में एक नदी किनारे सिगड़ी के पास बैठे सर्दियों में ताप रहे थे, पूरी रात संदेह कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, तो चिंतन करते करते डेकार्ट को यह एहसास हुआ कि ये जो मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ, ये जो सोचने वाली कोई चीज़ है वो अवश्य है, इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। मैं संदेह कर रहा हूँ इस पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर डेकार्ट को लगा कि मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, यानी मैं हूँ अर्थात ये आत्मा जिसका प्रमुख कार्य है सोचना, इसका अस्तित्व निर्विवाद है, इसका अस्तित्व अनासंख्य है, संदेह से परे है। क्योंकि जब भी सोचेंगे, संदेह करेंगे, तो सोचने वाली सत्ता के रूप में, संदेह करने वाली सत्ता के रूप में उसका अस्तित्व प्रमाणित होगा ही। तो डेकार्ट का ये जो तरीका है, मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ, कहते हैं कि संशयवादियों के बड़े से बड़े तर्क भी आत्मा के इस प्रकार से प्रमाणित अस्तित्व का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि खंडन करने के लिए भी कोई अचेतन सत्ता चाहिए, आत्म तत्व चाहिए, खंडन करने वाला चाहिए, जिसका खंडन हो रहा है वो चाहिए। तो इस प्रकार आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। डेकार्ट ने कई कई प्रकार से अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि एक क्षण के लिए मैं ये मान लूं कि कोई शैतानी ताकत मुझे धोखे में रखे हुए है कि मैं हूँ, तो भी मेरे अस्तित्व को खंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धोखा खाने वाली सत्ता के रूप में मेरा अर्थात आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। तो किसी भी तरीके से देखा जाए तो यदि आप चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन करने वाले मूल तत्व के आधार के रूप में आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। अब वो चिंतन आप सत्य की खोज के लिए कर रहे हैं, या संदेह करते हुए कर रहे हैं, या कोई गणित का सवाल हल करते हुए कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार का चिंतन कर रहे हैं, आप कोई विचार दे रहे हैं, तब भी विचारक के रूप में उस आत्मा का अस्तित्व निर्विवाद रूप से प्रमाणित होता है। तो इस प्रकार डेकार्ट को दर्शन के लिए एक मजबूत आधार मिल गया आत्म तत्व के रूप में, और इसको उन्होंने दर्शन का आधार बनाया। और क्योंकि मैं अपन पहले बात कर चुके हैं कि डेकार्ट ने एक बार के लिए सब कुछ स्थगित कर दिया था, अपने सारे विश्वास छोड़ दिए थे, लेकिन सर्वप्रथम आत्मा पर विश्वास किया। और फिर जो पूर्वाग्रह अपन बात कर चुके हैं, बुद्धि है, बुद्धि में प्रतिभान और निगमन है, वो इसके बाद उन्होंने स्वीकार किए कि प्रत्येक मनुष्य के आत्मा में बुद्धि में प्रतिभान और निगमन की शक्ति पाई जाती है, जिसके माध्यम से वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आत्मा वह प्रथम तत्व है जिसका डेकार्ट ने अस्तित्व प्रमाणित किया। और आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में बात करें तो कई बातें की जा सकती हैं, जिसमें प्रथम बात यह है कि डेकार्ट में यहाँ आत्मा से अर्थ है चिंतन करने वाली शक्ति, यानी जिसका चैतन्य, जिसका प्रमुख स्वरूप है, स्वभाव है। चिंतन को कभी भी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता, एक बात तो ये। दूसरी चीज कि डेकार्ट ने प्रत्येक शरीर में एक अलग आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, जो जड़ तत्व से अलग है, जो बुद्धि तत्व से अलग है, जो प्राण तत्व से अलग है, जिसका कार्य केवल और केवल चिंतन करना है, मनन करना है, विचार करना है। तीसरी बात, यद्यपि कुछ दार्शनिकों ने ये थोड़ा सा डेकार्ट की आलोचना की है, लेकिन डेकार्ट ने कहा है कि चेतना, क्योंकि आत्मा का जो प्रमुख स्वभाव है वो है चेतना, चिंतन करना,
और इस नाते डेकार्ट ने केवल मनुष्यों में ही आत्मतत्व की सत्ता को स्वीकार किया। पशु पक्षियों पेड़ पौधों में वो आत्मतत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। और अपन जानते हैं कि बहुत सारे दार्शनिक जो हैं वो इसी बात को लेकर डेकार्ट की आलोचना करते हैं, क्योंकि अन्य दार्शनिकों का मानना है कि जितनी भी जीवन सत्ता है, जीवंतताएँ हैं, चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी, सब में आत्मा पाई जाती है। पर डेकार्ट इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा के बारे में डेकार्ट ने एक और बड़ी मज़ेदार बात, यदि भी वो आगे भी होगी, कि आत्मा शरीर के एक विशेष तत्व पीनियल ग्लैंड में निवास करती है। जब शरीर पर कोई प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है, तो आत्मा उसकी प्रतिक्रिया देती है। और आत्मा शरीर के प्रभु है, शरीर को संचालित करने वाली शक्ति है, ऐसा डेकार्ट ने कहा। और ज्ञान का आधार है सारा ज्ञान। अब जो सारा ज्ञान अपन प्राप्त करने वाले हैं या चिंतन करने वाले हैं, उसका आधार आत्मा ही है। इस आत्मा में ज्ञान जन्मजात रूप से पाया जाता है, बुद्धि के रूप में पाया जाता है, प्रतिभान के रूप में पाया जाता है, जिसके सहारे से संपूर्ण संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित कर देने के बाद अब डेकार्ट जो है तत्व मीमांसी दृष्टि से दूसरा तत्व लेते हैं, और वह तत्व है ईश्वर। तो ईश्वर के बारे में डेकार्ट क्या कहते हैं, ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।